हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो क्लास 10th और 11th के एंड आपका एलओसी यानी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, स्टिल आप चाहते हो उसमें कुछ करेक्शन करने के लिए, कुछ मॉडिफाई करने के लिए, दोस्तों बहुत सारे सीबीएसई के स्कूल के रिक्वेस्ट के थ्रू सीबीएसई ने सारे स्कूल को मॉडिफिकेशन करेक्शन करने के लिए मौका दिया है। दैट मीन्स आप सबके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने एलओसी में रजिस्ट्रेशन जो किया है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लास्ट डेट क्या है, कौन करेगा, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, एलओसी साइन होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है एक साल तक। दैट मीन्स आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहते हो देन रीजनल ऑफिस में आप एप्लीकेशन देते थे, बट इस बार बहुत सारे मिस्टेक हुए हैं बहुत सारे स्कूल के थ्रू, तो इसलिए बहुत सारे सीबीएसई के स्कूल ने सीबीएसई को यानी सेंटर को ये रिक्वेस्ट किया था कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए कि हम इस विंडो को चेंज कर सकते हैं यानी करेक्शन कर सकते हैं। तो इनको रिक्वेस्ट को मान के सीबीएसई ने सबको एक मौका दिया है, आप जाके करेक्शन करा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कुछ भी मिस्टेक हो, नेम मिस्टेक हो, सब्जेक्ट चेंज करना हो, कुछ भी चेंज करना हो, आप जाके स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन चेंज करा सकते हो। दोस्तों इसमें कुछ क्लॉज भी है, वो आपका जानना बहुत जरूरी है, क्या चेंज करना क्या नहीं चेंज करना वो सबसे पहले बात करेंगे एंड इसका लास्ट डेट कब है वो भी बता दूंगा। दोस्तों सबसे पहले बात, ये चेंज करेगा कौन, स्टूडेंट करेगा या स्कूल वाले करेंगे, इसके अथॉरिटी सीबीएसई ने स्कूल वालों को दिया है कि ओनली स्कूल वाले ही चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे। एंड दोस्तों वो डेटा चेंज होगा जो डेटा पहले से ही स्कूल में रिकॉर्डेड है। दैट मीन्स आपने जो इन्फॉर्मेशन स्कूल वालों को दिया था उसी में ही चेंज किया जाएगा। लाइक आपका नेम चेंज कर सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम चेंज कर सकते हैं, बट आपके कंप्लीट नेम चेंज नहीं हो सकता, उसमें करेक्शन किया जा सकता है। दोस्तों फर्दर मूव करूंगा मैं सब्जेक्ट के थ्रू, आप क्या सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, क्लास 10th के लिए बोलूंगा एंड 11th 12th के लिए बात करेंगे। दोस्तों क्लास 10th में जो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं ओनली आप मैथमेटिक्स में चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स बेसिक और स्टैंडर्ड को ही बदल सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक है आप स्टैंडर्ड लेना चाहते हो देन आप चेंज कर सकते हो, यानी मेरे कहने का मतलब आप स्विच कर सकते हो बेसिक के स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड टू बेसिक। इसके अलावा क्लास 10th में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स, तो ओनली आप नेम वगैरह चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, बट इसको चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों थोड़ा आगे मूव करूंगा 11th के लिए, अगर बात करूं 11th के बच्चे क्या चेंज कर सकते हैं वो भी आपका जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों सेम बताऊंगा, 11th के बच्चे भी नेम में चेंजेस कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर सब्जेक्ट के बारे में बात आएगा थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है सब्जेक्ट में। इसमें हिंदी ऑप्शनल, संस्कृत, उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट कोड चेंज कर सकते हो, आपस में स्विच कर सकते हो, बट जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है आपका ऑप्शनल कुछ चेंज नहीं कर सकते हो आप। बट बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, क्या हम अभी ऑप्शनल और एडिशनल अभी चेंज कर सकते हैं। अभी सीबीएसई ने ऑप्शन आपको नहीं दिया है कि आप इसी करेक्शन के थ्रू एडिशनल और ऑप्शनल को स्विच कर सकते हो या कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो या आपका स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन योर स्कूल, अगर आपके स्कूल चाहेगा देन स्कूल ये चेंज करा सकता है या नहीं, एक बार स्कूल में कंफर्म कर लेना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप चेंज करा सकते हो। यानी कुछ सब्जेक्ट तो आप चेंज हो रहा है, ऑप्शनल और एडिशनल चेंज मना कर दिया नहीं होगा और आपका स्ट्रीम चेंज के लिए मना कर दिया गया है, फिर भी आप एक बार प्रिंसिपल से बात करना इस मैटर में क्या सही क्या नहीं, वो ज्यादा आपको बेटर बताएंगे। बट इन्फॉर्मेशन इतना था कि आप ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो। दोस्तों लास्ट डेट कब है जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो लास्ट डेट दिया है सीबीएसई ने स्कूल को, जो डेडलाइन दिया है वो है 6th दिसंबर, यानी 6th दिसंबर के बाद कोई भी चेंज अलाउ नहीं होगा। दोस्तों ये हिस्ट्री में पहले बार हुआ होगा शायद सीबीएसई करेक्शन विंडो दे रहा है, पहले नहीं देता था बट इस बार दिया है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो भी गलती हुआ है सबको सही करो, स्कूल वालों से कॉन्टेक्ट करो, तो आपका कुछ भी चेंज आप करा सकते हो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर हम ये सब्जेक्ट चेंज करना है, वो करना है, कब करेंगे, इस टाइम आपके पास एक मौका है, चाहिए स्कूल वालों से बात करिए, जाके आप चेक करा सकते हैं और चेंज करा सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चला होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।